कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन होना जरूरी है। इसके लिए पेड क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था कुछ होटलों में भी उपलब्ध कराई गई है। शासन स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर में भी सभी के लिए व्यवस्था की गई है। जो अपनी अपनी सुविधा अनुसार निजी होटल में क्वारंटाइन होना चाहते हैं, उनके लिए स्वयं के व्यय पर चिन्हित होटलों में क्वारंटाइन हो सकते हैं। सभी SDM के पास निजी होटल की सूची उपलब्ध है, जिनका किराया और व्यवस्थाओं की दर भी निर्धारित है, जिसमें होटल की भुगतान करना होगा जो होटल की व्यवस्था अनुसार रहेगा। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। सर, सर्वप्रथम मैं भोपाल के सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि ये लॉकडाउन जो है ये आपकी और हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है, इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। हम जितना अच्छी तरीके से इसका पालन सुनिश्चित करेंगे, उतना ही हम लोग कोरोना के संक्रमण को रोकने में सफल होंगे। इसके साथ ही हम लोगों के द्वारा इस संक्रमण को रोकने के लिए ये भी किया जा रहा है कि जो भी लोग पॉजिटिव आते हैं उनके आसपास के जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट्स हैं उन सभी को हम लोग अनिवार्यतः इंस्टीट्यूट में क्वारंटाइन कर रहे हैं। इसमें कई बार लोगों को ये भ्रम भी हो जाता है कि यदि उन्होंने पहले या दूसरे दिन ही टेस्ट करा लिया और वो नेगेटिव है तो उन्हें क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना के जो सिम्टम्स हैं, कोरोना का जो मैनिफेस्टेशन है, वो अक्सर 5 से 10 दिन बाद भी आता है। इसलिए जो भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आया है उसको क्वारंटाइन होना अनिवार्य है, और इस प्रकार इंस्टीट्यूट में क्वारंटाइन करके ही हम लोग कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ पाएंगे। इसलिए किसी भी कीमत पर किसी भी तरह हम लोग क्वारंटाइन का जो हमारा सेटअप है, क्वारंटाइन का जो हमारा सिस्टम है, उसमें हम लोग किसी प्रकार की कोताही नहीं कर सकते। वो हमें अनिवार्यतः और पूरी शिद्दत के साथ उसका पालन करना ही होगा। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो हम क्वारंटाइन कर रहे हैं उसमें भी आप सब लोग हमें आगे आकर सहयोग करें। ये बात सही है कि क्वारंटाइन होने के लिए लोगों की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। इसके लिए ये भी किया जा रहा है कि कुछ प्राइवेट होटल्स जो कि उस प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, उस प्रकार से पेड क्वारंटाइन फैसिलिटी भी प्रारंभ की गई है, जिनके अलग अलग रेट निर्धारित कर दिए गए हैं। तो यदि कोई व्यक्ति चाहता है तो वो अपनी मंशा अनुसार उन पेड क्वारंटाइन फैसिलिटी में भी जा सकता है, परंतु क्वारंटाइन होना, यदि हम किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो क्वारंटाइन होना अनिवार्य है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।